देखिए आज अभी हम इस समय मायापुरी का सम्मेलन में हैं और राजीव गोयल जी और अरुण गोयल जी के द्वारा जो ये दोनों ज्ञान एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का आज आयोजन किया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक की कार्यक्रम है। इसमें देश विदेश से बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। मैंने भी ज्योतिष आचार्य के रूप में ज्योतिष से संबंधित अपनी बातों को यहाँ पर रखा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ गोयल जी को कि आगे भी भविष्य में और बड़े कार्यक्रम का आयोजन सुपर हिट रूप में होगा। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, केवल समझने की आवश्यकता है। आप इन सभी ज्ञानवर्धक बातों को आपके YouTube चैनल पर, हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आप भी समझ सकते हैं कि ज्योतिष किस प्रकार से वर्क कर रही है और मुझे बहुत आनंद आया, अच्छा महसूस। 2024 काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। कुछ राशियाँ तो ऐसी हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है, बट कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। 1 मई 2024 के बाद से थोड़ी विशेष सावधानियाँ बरतनी होंगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि मकर राशि के ऊपर रहेगी जो कि अच्छी नहीं होती है। और 1 मई 2024 में देवगुरु वृष राशि में भी आ जाएंगे शत्रु राशि में, तो इतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। और शनि की भी नीच दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है, तो मकर राशि मेष राशि इनके लिए थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे।